हे गाइस, दिस इज मी अनमोल सचदेवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने बताया आपको कि खाना क्यों मेजर करते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ फूड इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग बात करने वाले कि खाना को मेजर कैसे करते हैं। तो खाना को मेजर करने के लिए किचन वेइंग स्केल आता है, अगर आप ये डिवाइस देखो, दिस इज कॉल्ड एज किचन वेइंग स्केल। इसके हेल्प से हम लोग खाने को मेजर करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके हेल्प से खाना को मेजर कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेजर कैसे करते हैं। हमारे पास चावल है, यहाँ पे कुछ कटोरियां हैं। मैं पहले आपको बेसिक मेजर करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कटोरियों से क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मेजर करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो हमारे पास पहले राइस है और छोटी कटोरी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑन दबाएंगे। ऑन जैसे आप करोगे ये जीरो लिखा हुआ आ जाएगा। आपको इस पे कटोरी रखना है। कटोरी रखने के बाद यहाँ पे आपको टेयर का बटन होगा, आपको ये दबाना है। जैसे आप ये दबाओगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब जीरो के बाद आपको यहाँ पे चावल डालने हैं जितना आपको खाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 30 ग्राम्स खाना है या 50 ग्राम्स खाना है तो मैं यहाँ पे 50 हो गया। अब जो भी आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हो अपने से। अगर मुझे एग्जैक्टली 50 ग्राम चाहिए तो मैं यहाँ से थोड़ा सा चावल हटाते रहूंगा और उसको एग्जैक्टली 50 ग्राम्स कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास 50 ग्राम्स राइस। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कटोरियों के साइज से बहुत डिफरेंस आ जाता है। आपको बेसिक मेजर करने का तरीका तो पता चल गया, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस क्या आता है। अगर मैं इस कटोरी को रखूं और यहां पर टेयर करके ये डालूं तो आप देखो इस कटोरी में तो बहुत थोड़ा सा ही चावल आया, बट ये 50 ग्राम्स ही है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और फिल करूंगा। अगर इस कटोरी को फिल करता हूं तो आप ये देखो 120 ग्राम्स हो गए। अब मैं आपको इस कटोरी में दिखाता हूं, अगर इस कटोरी के हिसाब से आप चावल खाओगे, यहां पे ये रख के मैंने टेयर दबाया, ये जीरो हो गया। तो देखो आप कि इस कटोरी के हिसाब से ये 120 ग्राम बहुत थोड़ा सा है। अब इसमें मैं और चावल डालूंगा तो ये कटोरी ऑलमोस्ट फुल हो गई, बट नाउ दिस इज क्लोज टू 200 ग्राम्स। तो अगर हम लोग तीनों कटोरियों की बात करें तो इस पे 50 ग्राम्स और इस पे 200 ग्राम चावल हो रहा है। आप यू कैन इमेजिन कि कितना डिफरेंस आएगा आपके कैलोरिक इंटेक पे। तो गाइस, आप देख रहे हो कि मैंने अभी यहाँ पे फूड जो मेजर किया, आपको कैलोरिक डिफरेंस के बारे में पता चल गया। दूसरी एक और क्वेरी आती है कि अनकुक्ड मेजर करना चाहिए, कुक्ड मेजर करना चाहिए। अगर आप बात करो मेजर करने की तो आई ऑलवेज गो फॉर अनकुक्ड खाना। आप अनकुक्ड मेजर करिए, उसके बाद उसको पकाइए। इससे क्या होता है कि खाना जब आप बना लेते हो तो उसमें कितना पानी आता है, कभी कभार ज्यादा ड्राई बन जाता है, तो थोड़ा डिफरेंस आते रहता है। बट अगर आपके पास अनकुक्ड है तो वो एग्जैक्ट आपको सेम क्वांटिटी में ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि कभी कभार होता है कि आपके पास दो तीन चीज है, तो आपको सबसे इजी वे क्या है। अगर आप बात करें कि आपके फूड आइटम्स में दो तीन चीज है, जैसे कि ब्रेड, पीनट बटर, या फिर यू नो मिल्क एंड सीरियल्स है, मिल्क में आप अगर कॉर्नफ्लेक्स या फिर आप चौकोज मिला रहे हो, ओट्स डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कटोरी रखनी है, इसमें आपको मिल्क पोर करना है। आप जैसे मिल्क पोर करोगे, आपके पास 200 ml अगर मिल्क है तो आपने 200 ml मिल्क डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टेयर का ऑप्शन है, आप टेयर दबा दोगे। 200 ml मेजर करने के बाद आप टेयर दबाओगे, ये फिर से जीरो हो जाएगा। फिर आपको इसके बाद इसमें अलग से ऊपर से चौकोस डालना है, जितना अगर आपको 50 ग्राम चौकोस खाना है तो आप 50 ग्राम चौकोस डाल दिए। तो इससे क्या हुआ, आपके पास एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई। तो आपको आई होप कि ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि खाना को मेजर कैसे करते हैं। किचन वेइंग स्केल लेना है, अगेन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इट्स वेरी चीप एंड इजिली अवेलेबल ऑन Amazon, बहुत सारे अब तो मार्केट्स में भी नॉर्मल अवेलेबल होने लगा है। तो आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप इसको परचेज करोगे, ऑब्वियसली यू विल हैव इन माइंड की वट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो कॉमेंट सेक्शन में डालें, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं बना रहा हूँ आप उस सबको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रीच जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग साइंटिफिक वीडियोज देख पाए। टिल देन गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एस्थेटिक।